बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 8 के लिए है और हिंदी लाख की चूड़ियां चैप्टर जो है उसमें से है ये वर्कशीट। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस कार्यकलाप के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। ये एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता है। लेखक ने बदलू के कार्यों को बड़ी ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके के नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गाँव में सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊँचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख से समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास के 4-6 विभिन्न आकार के बेलननुमा मुगेरियाँ रखी होती थी और आग से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह उन्हें मंगूरिये पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग कर। तो हमने पढ़ा कि किस तरीके से बदलू चूड़ियां बनाता था। तो चलिए कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कठिन शब्द हैं। लाख ये गोंद होती है, एक तरह की सहन, मतलब दीवार पर लगा हुआ कोई स्थान। घेरा बाड़ा। मुंगेरिया बेटा एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़े को बेलनिया कहते हैं, मुंगेरिया कहते हैं। लेखक के मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों? देखिए, हमने पढ़ा था यहाँ पे मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब वह वहां से लौटता था तो उसके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। पहले प्रश्न का आंसर है, इसके साथ आप लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए, फिर लिख रही हूँ मैं आगे। आगे पूछा है इसी प्रश्न में, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? तो मुझे नानी के घर जाना अच्छा लगता है। क्योंकि वो मुझे कहानियां सुनाती हैं। चलिए आगे देखेंगे। प्रस्तुत पाठ के पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या कुछ आप अन्य पदार्थ बता सकते हैं जिनसे चूड़ियां बनाई जाती हैं? तो बेटा लकड़ी की भी चूड़ियां बनती हैं, कांच की भी चूड़ियां बनती हैं। चलिए, लेखक बदलू के माम को मामा न कहकर काका बुलाता था। अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चे अक्सर ऐसा बाकियों को देखकर करते हैं।
आगे है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो हाँ, मैंने दिए रंगते हुए देखा है। ठीक है, तो आपने कुछ और देखा है तो आप उसको कुछ और लिख लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे हम कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।